विनय आईएएस एकेडमी के चैनल में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, हमारे चैनल की तरफ से आपको डेली झारखंड से रिलेटेड इम्पोर्टेंट करेंट अफेयर्स एवं इससे रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है इसके प्रैक्टिस सेट करवाए जा रहे हैं। ये क्लासेस आपको मॉर्निंग 8 AM और इवनिंग 8 PM इन दो समयों पर उपलब्ध कराई जा रही है, तो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जुड़कर आप इस क्लास का लाभ उठा सकते हैं। आज से हमारे चैनल की तरफ से आप लोगों के लिए झारखंड का टॉपिक वाइज प्रैक्टिस सेट जो है वो डिस्कस किया जाएगा। जो क्वेश्चंस हैं वो आपका इजी से लेकर हार्ड, जो भी आपका हर एक पॉइंट जो इम्पोर्टेंट है आपके एग्जाम पर्पज से, इन सभी को इसमें डिस्कस किया जाएगा, ताकि आपका ये जो 7 JPSC PG Paper 2 है इन सभी के का जो प्रिपरेशन है ये आपके लिए अच्छे तरीके से हो। ओके, लेट्स स्टार्ट द सेशन। ओके, एंड टुडे आवर टॉपिक इज गवर्नमेंट सिस्टम। झारखंड में जितने भी प्रकार की शासन व्यवस्थाएं हैं, इन शासन व्यवस्थाओं में किन किन लोगों की नियुक्ति हुई है, किन कितने प्रकार की शासन व्यवस्था है, इन शासन व्यवस्था में कौन कौन से लोग कार्यरत हैं, उनका कार्य प्रणाली क्या है, किस तरीके से वे अपनी जनजाति में सारी कार्य प्रणाली को देखते हैं, अपने विवादों का निपटारा किस प्रकार से करते हैं, ये सारी चीज़ें जो है ये शासन व्यवस्थाएं में देखी जाती है। इनमें बहुत सारे मुंडा मान की शासन व्यवस्था, मुंडा शासन व्यवस्था, नागवंशी शासन व्यवस्था, जातीय शासन व्यवस्था, इस प्रकार की शासन व्यवस्थाएं जो है हमारे झारखंड की जनजाति में है, तो इससे रिलेटेड जो है हम क्वेश्चन सभी डिस्कस करेंगे। ओके, लेट्स प्रोसीड विद द सेशन। एंड आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज विश्व की प्राचीनतम गणतंत्रीय शासन प्रणाली को किस नाम से जाना जाता है। ओके, इसको किस नाम से जाना जाता है, विश्व की प्राचीनतम गणतंत्रीय शासन प्रणाली। आपके पास जो है दो ऑप्शन मैं दे रही हूँ इसमें, एक है आपका नागवंशी शासन व्यवस्था और दूसरा है मुंडा मान की शासन व्यवस्था। ओके, किस जनजाति में को जो है ये प्राचीनतम गणतंत्रीय शासन व्यवस्था का उदाहरण माना जाता है। यस, क्विक आंसर कीजिए, काफी इंपॉर्टेंट और सबसे पहला जो है बोल सकते हैं बेस पॉइंट है ये हमारे शासन व्यवस्था का। यस यस, आंसर कीजिए। यस, ये है हमारे मुंडा मान की शासन व्यवस्था, मुंडा मान की जो गवर्नमेंट सिस्टम है उसमें। अब ये जो गवर्नमेंट सिस्टम है ये किस ट्राइब में फॉलो अप की जाती है, ये फॉलो अप की जाती है हमारे हो जनजाति में। ओके, किस जनजाति में फॉलो अप की जाती है, हो जनजाति में। इसमें जो है बहुत सारे लोग जो है काम करते हैं, जैसे मुंडा है, दतुआ है, दिवरी है, इन सारे लोग जो है इस शासन व्यवस्था में कार्य करते हैं और इस शासन व्यवस्था में अपने सारे कार्यों का निष्पादन करते हैं। ओके, नेक्स्ट इज मुंडा मान की व्यवस्था में जो पढ़ा पंचायत का गठन होता है वो उस पढ़ा पंचायत में कितने गांवों को मिलाकर गठन किया जाता है, मतलब कि जो पढ़ा पंचायत होता है उसमें गांवों का समूह कितना होता है, बताइए। ये जो है पढ़ा स्तर पर एक पंचायत होती है जिसमें कि पर्टिकुलरली कुछ गांवों के समूह को मिलाकर पढ़ा पंचायत बनाया जाता है, और ये जो पंचायत है इसमें अंतर ग्रामीण पंचायत से जुड़े सभी विवादों का निपटारा होता है, और पढ़ा पंचायत जो है ये इसकी जो बैठक होती है इसमें मुंडा और डकुआ ये सभी लोग जो है भाग लेते हैं, और इसमें जो डिसीजंस लिया जाता है ये सर्वसम्मति से लिया जाता है, मतलब कि डिसीजन जो है ये वन साइडेड नहीं होता है या किसी एक व्यक्ति का पर्टिकुलरली नहीं होता है, ये जो डिसीजंस होते हैं ये सर्वसम्मति से सबके साथ मिलकर लिए जाते हैं। तो इनमें जो समूह होता है ये टोटल कितने गाँवों का समूह होता है, यस फास्ट आंसर कीजिए, ये होता है हमारे 15 से लेकर 20 गाँवों का, 15 to 20 विलेजेस जो है इनको मिलाकर एक पढ़ा पंचायत जो है बनाई जाती है। ओके ओके, नेक्स्ट इज मुंडा मान की व्यवस्था में जो डकुआ है उसका क्या कार्य होता है, डकुआ का कार्य क्या होता है, बताइए। ऑप्शन दे रही हूं मैं आपको, ये धार्मिक प्रमुख व्यक्ति होता है,
या फिर संदेश संप्रेषण करता है, ये जो डकुआ है, ये सारे जो है ग्राम स्तर पर नियुक्त होते हैं पदाधिकारी। डकुआ, दिवरी, तहसीलदार, यात्रा दिवरी, इन सभी का जो चयन होता है ये ग्राम स्तर पर होता है। इसमें जो मुंडा मान की आपका शासन व्यवस्था है, ये आपका दो स्तर पर ही काम करती है। ये शासन व्यवस्था दो भाग में डिवाइडेड है, ग्राम स्तर और पढ़ा स्तर। ओके, तो इसमें जो है ये जो डकुआ है इसका काम क्या है? यस, डकुआ का काम है संदेश संप्रेषण करना, यानी कि संदेश पहुंचाना। ओके, ये जो है मुंडा का सहयोगी होता है। मुंडा का जो भी आदेश होता है, मतलब कि एक पर्टिकुलरली जो हेड होता है उसके तरफ से आदेश निर्धारित किया जाता है, तो उस आदेश को जब कंपनी में कोई बॉस है, उसने कोई ऑर्डर दिया, तो उसके ऑर्डर को जितने भी कलीग्स हैं, जितने भी स्टाफ हैं, उनके पास सर्कुलेट किया जाता है। तो वो सर्कुलेट करने का काम किसी एक संप्रेषण का काम करता है, यानी कि जितने भी संदेश हैं, जितने भी इम्पोर्टेंट डिसीजन हैं, उनको जन जन तक पहुंचाना, यानी प्रत्येक गांव तक पहुंचाना। ओके, नेक्स्ट इज, सो इनका काम क्या है? मैसेज पास करना। ओके, मैसेज पास करना। नेक्स्ट इज, मुंडा शासन व्यवस्था में पाहन को दी गई जो कर मुक्त भूमि होती है, वो भूमि क्या कहलाती है? ये कर मुक्त भूमि होती है, इस भूमि को क्या कहा जाता है बताइए? इस भूमि को ऑप्शन है आपके पास डाली कटारी या फुटकट्टी। पाहन को ऐसा लैंड दिया जाता है जो कि किसी भी प्रकार के टैक्स से जो है फ्री हो, मतलब उस पर किसी भी प्रकार का टैक्स नहीं लगे। तो इस प्रकार की भूमि को क्या कहते हैं? यस, इस प्रकार की भूमि को कहा जाता है आपका डाली कटारी। क्या कहा जाता है? डाली कटारी। ओके, नेक्स्ट इज, किस जनजाति की परंपरागत शासन व्यवस्था को खुटकट्टी प्रथा का नाम दिया गया? किस जनजाति की शासन व्यवस्था को खुटकट्टी प्रथा का नाम दिया गया बताइए? आपके पास ऑप्शन है उराव जनजाति या मुंडा जनजाति। किस जनजाति की जो शासन व्यवस्था है उसको खुटकट्टी प्रथा का नाम दिया गया? ये जो खुटकट्टी प्रथा है ये स्टार्ट कब से हुआ? जब लोग आए एक जगह पर रहने लगे, जंगलों को साफ किए, जंगलों को साफ करके वहां की जो भूमि थी उसको खेती के लायक बनाए, कृषि के लायक बनाए। ओके, और इसी मूल गांव को जो ये सामूहिक रूप से कार्य करते थे, ये कार्य किसके द्वारा किया जाता था? ये प्रथा किस जनजाति में चल रही थी? यस, ये प्रथा चल रही थी आपकी मुंडा जनजाति में। ओके, और यहाँ पर जो है मुंडाओं के द्वारा जो जमीन साफ किया जाने लगा और एक सामूहिक तरह से कह सकते हैं कि एक मूल गांव वहां पे प्रॉपर डेवलप होने लगा, उसको कहा जाने लगा खून। प्रॉपर जो एक 10 से 20 घरों को मिलाकर गांव बना, वो कहा जाने लगा खून। और वहीं से यह खून कहे जाने के कारण मुंडाओं में एक खुटकट्टी प्रथा जो है स्टार्ट हुई, और यहीं से जो है गणतंत्रीय प्रणाली भी कभी जो बोलते हैं ओरिजिन प्लेस यही था। तो यहाँ पर जो आपका सही ऑप्शन है वो क्या है? मुंडा। ओके, नाउ द नेक्स्ट इज, मुंडा मानकी शासन व्यवस्था में, सॉरी, मुंडा शासन व्यवस्था में ग्राम के प्रमुख को क्या कहा जाता है? मुंडा शासन व्यवस्था में जो गांव का प्रमुख व्यक्ति होता है जो कि डिसीजंस लेता है उसको क्या कहा जाता है? यू हैव टू ऑप्शंस, हाथ मुंडा और पाहन, दो ऑप्शन है। मुंडा शासन व्यवस्था में भी जो गवर्नमेंट सिस्टम है ये आपका तीन लेवल पर जो है काम करती है। ये तीन लेवल है आपका, ग्राम स्तर है, खूंट स्तर है और पढ़ा स्तर है, तीन स्तरों पर काम करती है। इसमें जो हेड होता है ये कौन होता है? यस, इसमें जो हेड होता है
है ये होता है आपका हाथ मुंडा, ओके। जो हेड है वो कौन होता है, ये हेड होता है आपका हाथ मुंडा। ये हेड जो है वो कौन होता है, ये हेड होता है हमारा हाथ मुंडा। और ये जो हाथ मुंडा होता है ये होता है आपके पूरे शासन व्यवस्था का हेड, और इसका सिलेक्शन किया जाता है प्रत्येक गांव के बुजुर्ग सदस्यों के द्वारा, ओके। प्रत्येक गांव के बुजुर्ग सदस्यों के द्वारा जो है इसका सिलेक्शन किया जाता है, और इसके बाद ये सारे कार्यों का निपटारा करता है। नागवंशी शासन व्यवस्था में भंडारी
बक्सी, खटवाल जैसे जो अधिकारी हैं, इनको किस स्तर पर नियुक्त किया जाता था। ये जो नागवंशी शासन व्यवस्था है, इसमें इन लोगों की नियुक्ति होती थी, तो इनकी नियुक्ति जो है ये किस स्तर पर की जाती थी। इसमें तीन, ये जो नागवंशी व्यवस्था है इसमें तीन स्तर पर काम करते हैं, तो ग्राम स्तर, पट्टी स्तर और राज्य स्तर। तो इन तीनों में से किस स्तर पर इन लोगों की नियुक्ति होती थी। इन सभी का अपना अपना काम होता था। ओके, जैसे आपका भंडारी है, ये गांव में जितने भी भंडार गृह बनते थे उसमें जितने भी अनाजों को जमा करके रखा जाता था उनके बारे में सारा इंफॉर्मेशन रखता था। उसी तरीके से खटवाल भी थे, इन सभी लोगों का नियुक्ति होता था किस लेवल पे। यस, इन सभी लोगों की जो नियुक्ति होती थी ये होती थी आपके ग्राम स्तर पर। ओके, नेक्स्ट इज नागवंशी शासन व्यवस्था में वित्तीय मामलों का जो प्रमुख होता था, मतलब कि जो सारा इकोनॉमिक से रिलेटेड देखता था, उस प्रमुख को क्या कहा जाता था। आपके पास दो ऑप्शन है, पांडे और दीवान। इसमें लाल, ठाकुर, ये सभी लोगों की नियुक्ति होती थी, लेकिन वित्तीय मामलों का जो भी आपका फाइनेंशियल से रिलेटेड सारे जो इंफॉर्मेशन थे, आपका सारा प्रोसीजर देखता था, वो कौन था, ये सारा देखने का कार्य किसका था, आपका दीवान का था या फिर पांडे का था। तो पांडे का तो जो कार्य था ये पढ़ा राजा की जो अनुमति होती थी, जिस उनसे ऑर्डर लेने के बाद सारे प्रॉब्लम्स को ओरली जो है गांव वालों को अवगत कराता था, तो इसका काम तो ये था ही नहीं। तो हमारा सही ऑप्शन क्या होगा, दीवान। दीवान जो है ये सारे वित्तीय मामलों का देख रेख करता था। ओके, नेक्स्ट इज किस शासन व्यवस्था में कहावत है, पाहन का गांव बनाता है, मैं तो गांव चलाता है। बताइए किस शासन व्यवस्था में, किस जनजाति में ये कहावत है। इसमें आई थिंक आपको किसी ऑप्शन की जरूरत नहीं है। यस, ये जो है क्वेश्चन आपके झारखंड के ट्राइब्स से लेकर गवर्नमेंट सिस्टम दोनों के बेस पे काफी इंपॉर्टेंट है। यस, वेरी गुड। ये जो है आपका उड़ाव जनजाति में पढ़ा शासन प्रणाली में ये कहावत है। ओके, किसमें है ये, उड़ाव ट्राइब्स के पढ़ा शासन प्रणाली यानी कि पढ़ा गवर्नमेंट सिस्टम में जो है ये लाइन कही गई है। ओके, नेक्स्ट इज पढ़ा शासन व्यवस्था का जो संबंध है ये किस जनजाति से है। ऑप्शन है आपका संथाल, उड़ाव। किस जनजाति से जो है ये पढ़ा शासन प्रणाली संबंध रखती है। यस, पढ़ा शासन प्रणाली जो है इसमें दो मुख्य लोग होते हैं। सबसे पहले तो पढ़ा राजा जो है ये सारे डिसीजंस को खुद लेता है, स्वयं लेता है, और ये डिसीजंस जो वो लेता है ये डिसीजन जो है सर्वमान्य होता है, ये डिसीजन को फिर कोई बदल नहीं सकता है। अगर ग्राम स्तर पर कोई प्रॉब्लम क्रिएट हुआ है और उस प्रॉब्लम से में जो डिसीजंस लिया गया है गांव के स्तर पर, और उस डिसीजन से जो भी विक्टिम है या जो भी आरोपी है, जो भी जिसने भी केस किया, अगर वो संतुष्ट नहीं है तो वो किसके पास जाता है, वो जाता है पढ़ा राजा के पास। तो ये जो संबंध है ये संबंध है आपका उड़ाव जनजाति से। ओके, नेक्स्ट इज पढ़ा शासन व्यवस्था में राजा को दी गई कर मुक्त भूमि को क्या कहा जाता है। कर मुक्त जो भूमि है उसको क्या कहा जाता है। ये दो ऑप्शन है आपका, मझियस भूमि और फुटकट्टी भूमि। ये जो कर मुक्त भूमि होती है इसमें कोई भी टैक्स कलेक्शन नहीं होता है, ये टैक्स से फ्री होता है। इस भूमि को क्या कहा जाता है, इस भूमि को मझियस भूमि कहा जाता है।
से जाना जाता है। इसमें कोई भी जो है टैक्स सरकार के द्वारा लागू नहीं होता है, किसी जमींदार के द्वारा जोर जबरदस्ती करके भी इस जमीन पर कोई भी कर वसूलने की कोई भी प्रथा नहीं होती है। किस जनजाति की पंचायत में महिलाएं शामिल नहीं होती? कौन सी जनजाति है जिसकी पंचायत में महिलाएं शामिल नहीं होती है? ऑप्शन है आपका संथाल और उराव। यस, दो ऑप्शन दीजिए। दो ऑप्शन है आपके पास संथाल और उराव, इसमें से किस जनजाति में के पंचायत जो व्यवस्था है उसमें महिलाएं शामिल नहीं होती है? इनमें महिलाओं का डिसीजन भी जो है इम्पोर्टेंट नहीं होता है और इस पंचायत व्यवस्था में महिलाओं को शामिल भी नहीं किया जाता है। ओके, यस, ये है आपका उड़ाव। ओके, उड़ाव जनजाति में। नेक्स्ट इज परहा शासन व्यवस्था में जो गांव का प्रमुख होता है वो क्या कहलाता है? परहा शासन व्यवस्था में जो गांव का प्रमुख होता है वो क्या कहलाता है? यस, दो ऑप्शन है आपके पास महतो और मांझी। इन दोनों में से कौन जो है हेड होता है? जैसे दूसरा ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं मांझी, तो मांझी की जो नियुक्ति होती है ये होती है आपके महतो की मदद से, और जो महतो होता है यही जो है सारे शासन व्यवस्था का हेड होता है, सारे डिसीजंस लेता है। ओके, संथाल जनजाति की जो ग्राम सभा होती है, ओके, उस ग्राम सभा को क्या कहा जाता है? संथाल जनजाति की जो ग्राम सभा होती है उसको क्या कहा जाता है? यस, ये जो शासन संथाल जनजाति में जो शासन व्यवस्था चलती है, जो गवर्नमेंट सिस्टम के रूल्स एंड रेगुलेशंस इसमें फॉलो किए जाते हैं, ये मांझी परगनाज शासन व्यवस्था जो है संथाल जनजाति में फॉलो अप की जाती है। ओके, तो इसमें जो ग्राम सभा होती है इसका अर्थ होता है 5 आदमी की सभा। ओके, और उसको कहा जाता है आपका मोड़े बोर्ड। ये विभिन्न प्रकार के विवादों पर निपटारा करती है, जैसे कि आपका भूमि से संबंधित कोई विवाद है, पारिवारिक संपत्ति का विभाजन है, मतलब कि प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई इशू है, तो ये सारी चीजें जो है ये, तो इसमें आपका सही ऑप्शन क्या हो गया? ये सही ऑप्शन हो गया मेरा मोड़े बोर्ड। ओके, नेक्स्ट इज संथालों की पारंपरिक शासन व्यवस्था मांझी परगनाज किस जनजाति से ग्रहित की गई है? ये जो संथालों में पारंपरिक शासन व्यवस्था है ये किस जनजाति से लिया गया है? यस, माल पहाड़िया, सौरिया पहाड़िया। ऑब्वियसली है कि ये कहीं ना कहीं से लिया गया होगा, कहीं ना कहीं से इसके बारे में जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं वो लिए गए होंगे। यस, ये लिया गया है आपका सौरिया पहाड़ी से। ओके, नेक्स्ट इज मांझी परगनाज शासन व्यवस्था में जोग मांझी का क्या कार्य है? जो मांझी परगनाज शासन व्यवस्था होती है इसमें जोग मांझी जो है ये कौन सा कार्य करता है? इसमें मांझी होते हैं, जोग मांझी होते हैं, प्रमाणिक होते हैं। जैसे जो प्रमाणिक है ये मांझी के एब्सेंस में सारे वर्कलोड को संभालता है, सारे कार्यों को देखता है, और जो मांझी है ये संथालों के गांवों का हेड होता है, यानी कि संथाल के गांव का प्रमुख कहलाता है मांझी। ओके, तो ये जो जोग मांझी है इसका क्या काम है? इसका काम है नैतिक व्यवस्थाओं का
देख रेख करना, जो मोरल वैल्यूज है उससे रिलेटेड जो रिचुअल्स है उनको देख रेख करना। तो यानी इसका काम है मोरल वैल्यूज फॉलो अप करना, मोरल वैल्यूज। नेक्स्ट इज संथाल गांव का जो सुरक्षा प्रहरी है वो कौन होता है? संथाल जनजाति में जो सुरक्षा प्रहरी होता है वो कौन होता है बताइए? इसमें चौकीदार होते हैं, नायकेल होते हैं, गोराइत होते हैं, ये लोग होते हैं, ये सारे मिलकर जो है शासन व्यवस्था का देख रेख करते हैं। तो ये इसमें सुरक्षा प्रहरी मतलब गांव की सुरक्षा करने का जो जिम्मा होता है ये किसको दिया जाता है? यस, दो है, नायकी और लासे टेंगोई। किसको दिया जाता है सुरक्षा, गांव की सुरक्षा का जो जिम्मा है ये किसको दिया जाता है? यस, ये दिया जाता है आपका लासे टेंगोई। नेक्स्ट इज मांझी परगना व्यवस्था, जो शासन व्यवस्था है मांझी परगना शासन व्यवस्था, इसका जो सर्वोच्च अधिकारी है मांझी परगना में जो सर्वोच्च अधिकारी है ये कौन होता है? किसको कहा जाता है मांझी परगना शासन व्यवस्था का सर्वोच्च अधिकारी? हेड, हेड बोल सकते हैं, ये किसको कहा जाता है बताइए? किसको कहा जाता है मांझी परगना शासन व्यवस्था का सर्वोच्च अधिकारी? इसमें आपको मैं दो ऑप्शन दे रही हूँ, परगना और दिसुम परगना, बताइए। ये जो शासन व्यवस्था है जिसमें 15 से 20 गांवों को मिलकर एक परगना बन, परगना बन, और इसका हेड होता है आपका परगना। संथालों में 5 और 8 गांवों को मिलाकर एक गठित किया गया था एक संस्था जिसका हेड देश मांझी होता है। देश मांझी का जो हेड होता है वो क्या कहलाता है? यस, यस, वेरी गुड। हाँ, ये जो संथालों में 5 से 8 गांवों को मिलाकर किया जाता है इसमें देश मांझी का जो प्रमुख होता है वो क्या कहलाता है? ये जो है मांझी के द्वारा जितने भी विवाद नहीं निपट पाते हैं, जिन विवादों का निपटारा हेड नहीं कर पाता है उसको ये करता है, तो वो कौन होता है? ये होता है हमारे मोड़े मांझी। ओके, नेक्स्ट इज संथालों के पारंपरिक शासन व्यवस्था में जो भगदो प्रजा होता है उसका अर्थ क्या होता है, उसको क्या बोलते हैं? भगदो प्रजा कौन होते हैं? ये काफी इम्पोर्टेंट है, जब आप संथाल ट्राइब्स को पढ़ रहे होंगे, उनकी शासन व्यवस्था को पढ़ रहे होंगे, तो भगदो प्रजा जो है वो टॉप मोस्ट और इम्पोर्टेंट जो बेसिक बोलते हैं किसी शासन व्यवस्था का, वो हमारे लिए जानना काफी जरूरी होता है। यस, ये है हमारे वरिष्ठ नागरिक जो मिलकर जिन विवादों का निपटारा पंचायत व्यवस्था नहीं कर पाती है उनमें हम लोग भगदो प्रजा का विरोध डिसीजंस मानते हैं, उनके उसे सारा सलाह मशवरा करते हैं, तो उनका गांव के जो वरिष्ठ नागरिक जो एडल्ट पर्सन होते हैं उनको बोलते हैं भगदो प्रजा। ओके, नेक्स्ट इज किस जनजाति की परंपरागत शासन व्यवस्था ढोकलो सोहोर कहलाती है? ढोकलो सोहोर शासन व्यवस्था जो है ये किस जनजाति में फॉलो अप की जाती है? ओके, तो आपके लिए इसमें मैं दो ऑप्शन दे रही हूँ आपको, खड़िया जनजाति और बथुरी जनजाति, किस में फॉलो अप की जाती है? ये जो ढोकलो सोहर है इसका अर्थ क्या होता है? ढोकलो का अर्थ होता है बैठक और सोहर का अर्थ होता है अध्यक्षता करना। यस, तो ये जनजाति जो है ये शासन व्यवस्था किस जनजाति में फॉलो अप की जाती है? ये
आपका जो है ये किया जाता है आपका खड़िया जनजाति में, खड़िया ट्राइब्स। अब ये खड़िया ट्राइब्स जो है ये 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, दूध खड़िया, ढेकी खड़िया, सबर खड़िया। तो इसी तरीके से क्वेश्चंस जो है आपको ये नहीं देखना कि अरे ये तो 15 से 20 गांव को मिलाकर एक पार्ट है, ये क्वेश्चन काफी, क्वेश्चन किस तरीके से घुमाकर आपको जो है टर्न ओवर कर सकता है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो आपको एक हर एक लाइन हर एक टॉपिक का अपने दिमाग में बैठा लेना है कि किसी तरीके से अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए तो आप इसको कंप्लीट कर सकें। ओके, तो ये था आपका गवर्नमेंट सिस्टम से रिलेटेड क्वेश्चंस के टेस्ट सीरीज का पार्ट वन, और दूसरे दिन आपको जो है टेस्ट सीरीज की पार्ट टू जो है उपलब्ध कराई जाएगी। इसी तरीके से हमारे सेशन से जुड़े और इसका लाभ उठाएं। दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन।